बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर इंदौर शहर में उत्साह का माहौल है। लोगों ने घर के बाहर ही झंडे बैनर लगाकर प्रसाद बांटने की तैयारी कर ली है। वहीं विधानसभा 2 के वार्ड नंबर 22 में श्रीमती दीपा प्रकाश मीणा द्वारा भव्य आतिशबाजी और मिठाइयां बांटने की तैयारी की गई है। उन्होंने घर घर जाकर दिए बनाकर तेल और आतिशबाजी सहित अन्य सामग्री की तैयारी की है, जो वह घर घर बांटेंगे। चौराहे पर ही मनोकामना मंदिर पर दिए जलाए जाएंगे और मिठाइयां बांटी जाएगी और आतिशबाजी भी की जाएगी। लोगों से अपील की है कि वह बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और दिए जलाए और मंदिर में सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। ये देखिए, जो तैयारी हमने इस तरह से की हुई है, अयोध्या में जो भव्य नव निर्माण होने जा रहा है मंदिर का, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। उसमें हम सभी शहरवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम हिंदू होने के नाते हमें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। हमारे लिए खुशी की लहर है। हम सभी हिंदुओं का दायित्व बनता है कि हम इस आयोजन को, हम असमर्थ थे वहाँ जाने में, लेकिन हम हिंदू होने के नाते हम सबको अपने यहाँ बहुत भव्य आयोजन दीपावली के अवसर के हिसाब से मनाना चाहिए। इसको घर घर दीप जलाओ, रंगोलियाँ बनाओ, मिठाइयाँ वितरित करो, झंडे लगाने हैं, सभी लोग झंडे लगाओ। ये हम लोगों ने तैयारी की है और पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमें हर एक मंदिर पर सुंदरकांड आयोजन, इस सबका आयोजन करना है, वितरित कराना, आतिशबाजी, लाइटिंग वगैरह है सब माँ मनोकामनेश्वर मंदिर के वहाँ पर HDFC बैंक के पास में दीपा प्रकाश मीणा की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया है। पिछले 500 वर्षों से हमारी पीढ़ियाँ कई गुजर गईं राम मंदिर निर्माण के लिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और राम मंदिर निर्माण जो कल 5 अगस्त को शुरू होने जा रहा है, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे विधायक श्री रमेश मेंदोला जी ने हमें निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में बहुत ही धूमधाम से ऐतिहासिक रूप से इस पर्व को मनाना है। उसमें हम मीणा परिवार की ओर से सभी लोगों को निःशुल्क दीप प्रज्वलन हेतु सारी सामग्री, प्रसाद वगैरह वितरित कर रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र के जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर सुंदरकांड, भजन पूजन और सजावट की जाएगी, आतिशबाजी की जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।